अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मूवीज हम सर्च कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कराएंगे, और साथ ही में थोड़ा सा सीएसएस भी हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो जितना भी रिजल्ट रहेगा वो इसके नीचे आ जाएगा और टॉप का हिस्सा जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्लेक्स को रिमूव कर लेंगे, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव। तो ये टॉप पर आ गया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप ऑफ 20 और कॉमा सेव। तो टॉप से मार्जिन कुछ इस तरीके से हमको देखने मिल जाएंगे, इसको 25 कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, सेव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हम जो है फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था फ्लैट लिस्ट कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, और बटन के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक और जो है व्यू कंटेनर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्यू ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर एक टेक्स्ट मैसेज भी ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट, और इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर लेंगे हम। जितना भी हमारे पास मूवीज लिस्ट रहेगा ना उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि मूवीज फाउंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे गेट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस, और हमारे पास जो भी मूवीज का लिस्ट है उसकी लेंथ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इसको जो है ना कंडीशनली ऐड कर देंगे, अगर हमको मूवी मिलती है तब उसकी लेंथ चेक करो और ये मैसेज शो करो, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और ये जो टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे कंडीशनली डिस्प्ले करा देंगे, सो कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे मूवीज लिस्ट को गेट करेंगे, अगर हमको मूवी लिस्ट मिलती है तभी जो हम इसको रिटर्न कराएंगे। सो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे कट, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे सेव। तो अभी ये शो नहीं करेगा, जैसे हम यहाँ पर कोई भी मूवी नेम ऐड करेंगे और सर्च करेंगे ना तभी ये डिस्प्ले कराएगा। अब ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट सिंपल सा, इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्लैट लिस्ट, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आपको डेटा की प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ता है, और डेटा कहाँ से आएगा, ये आएगा मूवी लिस्ट में से। तो आप इसको जो है पास करा दें, यहाँ पर जो भी स्टेट है उसमें आपको डेटा मिलने वाला है। उसके बाद में हमारे पास रहेगा रेंडर आइटम, और इसके अंदर हमको जो है कॉल बैक फंक्शन मिलने वाला है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम जो है आइटम को रिसीव करेंगे, और इस आइटम की मदद से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, जेएस एलिमेंट यानी जो भी इसमें टैग्स है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैरेंथिसिस में रैप कर लेंगे क्योंकि मल्टी लाइन हमको देखना है। इसके अंदर हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स है उसमें से हम टाइटल पोस्टर और उसका ईयर यहाँ पर गेट कर लेंगे। सो पहले शुरू आप क्या करें, यहाँ पे लिखे व्यू। व्यू क्या काम करता है, कंटेनर की तरह काम करता है। अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है तो हम पहले डिव का इस्तेमाल करते थे, तो सेम उसी तरीके से व्यू भी काम करेगा कंटेनर का। उसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर जो है मूवी का टाइटल डिस्प्ले कराएंगे। तो आप लिखेंगे आइटम डॉट टाइटल, और टी कैपिटल है यानी चेक कर लेते हैं, मैं इतना सेव कर लेता हूँ पहले सेव, और ये टॉप पर चिपक कर आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ। रिफ्रेश, तो मार्जिन टॉप में बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको कर देंगे 60 करके देख लेते हैं सेव, 60 ठीक है, या फिर इसको कर देंगे 90, अब ठीक है। और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाना कोई भी मूवी सर्च कर लेता हूँ पहले, शुरू स्पाइडर सर्च। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट तो आ रहा है, और 10 मूवी फाउंड आ रहा है, देखिए 10 रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, लेकिन हमारा टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है ना। तो एक बार मैं इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेता हूँ, लोअर केस अपर केस का इश्यू होगा। तो ये रहा हमारा पोस्टर, पी कैपिटल है इसमें, इसके बाद में टाइप है, ईयर भी वाई भी कैपिटल से है, और टाइटल का टी भी कैपिटल में देख सकते हैं आप। सो इसको हम कर देंगे यहाँ से पेस्ट टाइटल सेव। तो देखिए बराबर से सारे टाइटल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ से देखिए ईयर भी कॉपी कर लेंगे, कहाँ पर है ईयर, ये है टाइटल, उसके बाद में इसका टाइप है मूवी, फिर ईयर है, सो इस ईयर को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे टेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग टैग, और फिर आइटम की मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पर ईयर को भी डिस्प्ले करा देंगे सेव। तो देखिए साल भी यहाँ पर शो करेगा, और इमेज भी हमको डिस्प्ले कराना है, और इमेज है पोस्टर के अंदर, और इमेज कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इमेज के लिए हमारे पास इमेज का कंपोनेंट होता है जो कि रिएक्ट नेटिव हमको प्रोवाइड करता है। तो टॉप पे मैं ऐड कर देता हूँ इमेज, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट करिए, देखिए फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा टॉप पे देख सकते हैं आप। इनकेस अगर आपके इसमें ऑटो इम्पोर्ट नहीं होता है ना तो आप मैन्युअली इसको इम्पोर्ट करें। ये रहेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर सोर्स हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसमें हमारे पास सोर्स कहाँ से आएगा, ये आएगा आइटम डॉट पोस्टर, सेव कर लेते हैं इसको, और जैसे सेव करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर अभी एरर शो करेगा,
हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है ना स्टाइल भी ऐड कर देंगे। हाइट और विड्थ हमको इसमें बताना पड़ता है, सो यहाँ पे हम हाइट ऐड कर देंगे, हाइट इसकी कर देंगे 200 और इसकी जो विड्थ है ना वो भी यहाँ पे हम कर देंगे 200। सेव कर लेते हैं इसको। इमेज का कुछ इश्यू आ रहा है यहाँ पर, कंपोनेंट तो बराबर से कॉल हुआ है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है बराबर से, और एप्लीकेशन को एक बार रिलोड दे देंगे। ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं आर प्रेस कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो जाएंगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे फिर से कोई भी मूवी सर्च करेंगे, आयरन मैन 10 मूवी फाउंड। और यहाँ पर देखिए सोर्स जो है ना कुछ तो भी इशू है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर शो कर रहा है ना, प्रॉप टाइप में है इनवैलिड प्रॉप। और सोर्स में देखिए डायरेक्टली जो है इमेज सप्लाई करना है लेकिन इमेज डायरेक्ट हमने सप्लाई कर दिया है, सोर्स में हमको इमेज सप्लाई करना है लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यूज का इशू आ रहा है। और हाँ देखिए इसमें हो सकता है जैसे हम सोर्स में देखिए रिक्वायर का यूज करते हैं या फिर URI का यूज करते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से हमको क्या करना है यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर URI का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको बता देंगे आइटम डॉट पोस्टर, देखते ये काम करता है नहीं, सेव। ओके अच्छा एक कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है सो ऐड कर देते हैं, सेव। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 400 कर देता हूँ मैं, सेव। 400 ज्यादा है, इसको कर देंगे 300, सेव। और ठीक ठाक लग रहा है ये, या फिर इसको कर देते हैं 340, सेव। 340 ठीक है, या फिर 300 बाय 300 कर लेंगे ना, ये भी ज्यादा बेटर है, 300 बाय 300, सेव। तो कुछ इस तरीके से शो करेगा और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेजीली ये लोड होगा, जितना आप स्क्रॉल करेंगे तभी ये डिस्प्ले कराएगा। और आप जो है ना यहाँ से इसको एक बार रिलोड भी कर ले एप्लीकेशन को, कभी कभार जो है प्रॉब्लम भी देती है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कैप्टन, और सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सर्च मूवी, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, 10 मूवीज फाउंड, 10-10 ही रिजल्ट देता है शायद, पता नहीं कैसे काम करता है ये। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बराबर से रिजल्ट आपको देखने मिल रहे हैं। और भी आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि ये टाइटल है तो आप नीचे स्टाइल शीट में जो है एक एक को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मूवी टाइटल, इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 30, फॉन्ट वेट कर देंगे हम यहाँ पर बोल्ड, सो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं बोल्ड, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको डिस्प्ले करा देंगे, कहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे आप इसको, ये जो टेक्स्ट में टाइटल है ना इसमें हम क्या करेंगे इसको डिस्प्ले करा देंगे, स्टाइल, स्टाइल के अंदर फिर हम स्टाइल्स को टारगेट करेंगे, स्टाइल्स डॉट मूवी टाइटल, सेव। तो देखिए ओ ये तो काफी बड़ा हो रहा है, इसको कर देंगे 20, सेव। अब ठीक है या फिर 15 कर देते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा, 15 मैंने किया, सेव। और ये बोल्ड भी शो कर रहा है और आप ईयर भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं ईयर भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमको पता चले कि ये ईयर पे है, सो यहाँ पर ईयर भी हमने ऐड कर दिया। और व्यू के अंदर भी हम कंटेनर ऐड कर सकते हैं, सो मूवी कंटेनर में बना लेता हूँ एक मूवी कंटेनर, और इसमें हम क्या करेंगे सब में मार्जिन दे देंगे हॉरिजॉन्टली, सो मार्जिन हॉरिजॉन्टल, और इसको कर देंगे 5 कर देते हैं, 5 ठीक रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, सेव। और ये जो व्यू है फ्लैट लिस्ट के अंदर इसको जो है स्टाइल कर देंगे, स्टाइल इसके अंदर हम क्या करेंगे स्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, सो आप लिखेंगे स्टाइल्स डॉट मूवी कंटेनर, सेव। और इतना कुछ इफेक्ट इसमें नजर नहीं आ रहा है, मार्जिन बॉटम करके देख लेते हैं एक बार, मार्जिन बॉटम इसमें कर देंगे 10, सेव, या फिर इसको कर देते हैं 30, सेव। 30 में ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 30 में शो करेगा। और अब ठीक ठाक लग रहा है, आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं, और जो भी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से भी करिए। और ये 10 मूवीज फाउंड है ना इसमें भी थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम, कहाँ पर लिखा था हमने इसको 10 मूवीज फाउंड, ये रहा, इस टेक्स्ट में इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल डबल कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर लिखेंगे हम मार्जिन बॉटम और बॉटम से दे देंगे 10, सेव। या फिर इसको मार्जिन वर्टिकल कर देंगे, तो मार्जिन वर्टिकल 10 कम पड़ रहा है, 20 कर लेते हैं, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। और टेक्स्ट को हम सेंटर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है टेक्स्ट अलाइन और इसको आप कर देंगे सेंटर में, सेव। कलर भी हम इसमें चेंज कर देंगे कलर, और इसको कर देंगे हम ग्रीन कलर, सेव। तो देखिए 10 मूवीज फाउंड, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है, मैं बैक आ जाता हूँ।
यहाँ से हम बैक आ गए, एक्सप्लोर मूवीज पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है और ना ही हम लोकल स्टोरेज में इसको सेव कर रहे हैं। अब फिर से अगर मैं इसमें कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कि डॉन सर्च मूवी, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, बराबर से रिजल्ट हमारे पास शो कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारी मूवी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो भी रिएक्ट नेटिव समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसमें चीज़ों को रेंडर कर सकते हैं। ये बेसिक एप्लीकेशन थी, इसमें हमने नेविगेशन देख लिया, रीयूजेबल कंपोनेंट देख लिया, उसके बाद में यहाँ पर हमने इमेजेस भी देखे, एपीआई कॉल भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई और एक मिनी प्रोजेक्ट देख लेंगे या फिर डायरेक्टली जो है मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इतना बेसिक काफी है। अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा है तो आप जंप कर सकते हैं डायरेक्टली मेजर प्रोजेक्ट में, या फिर देखता हूँ मैं कोई और प्लान करता हूँ जिसमें मैं स्टेट मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि हम रिडक्स या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे हमारे मेन प्रोजेक्ट में, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं, करता हूँ मैं कुछ इसके लिए प्लानिंग। तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।